हाय दोस्तों, कैसे भाई? एक और नए BSNL के 5G अपडेट के साथ। तो भाई, मेरे पिछली वीडियो पे बहुत सारे लोग भाई ऐसा जो कमेंट किए थे, भाई BSNL का 5G आखिर कब तक इंडिया में आ रहा है। भाई आप लोग को बहुत सारी गूगल पे फेक न्यूज मिलती है। तो भाई वास्तव में आपको सच बताऊं तो गूगल पे अगर आप गूगल से न्यूज देखते हैं, गूगल से कोई न्यूज सर्च करते हैं, तो वहां पे आपको 90% कुछ ऐसे न्यूज होती है जो आपको फेक मिलती है। जैसे अगर BSNL का कोई ऐसा अलग न्यूज होता है भाई, तो BSNL का अगर कोई और ऐसे आप सोशल मीडिया का अपडेट देखते हैं, तो वहां पर गूगल पे आपको कुछ ऐसे होते जो आपको सही न्यूज मिलती है, लेकिन कुछ न्यूज ऐसे होती है जो आपको गलत यानी कि फेक न्यूज मिलती है। तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करे भाई, वहां पर दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज देखी थी यानी कि BSNL की, भाई BSNL का 5G दीपावली को यानी कि लॉन्च होने वाला है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है दोस्तों, इन अफवाहों से कैसे बचना है उसके साथ साथ मैं आपका डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। हाँ, BSNL का आखिर 5G कब तक आएगा? और बहुत सारे लोग भाई ये भी कमेंट करे कि भाई BSNL का इंडिया में 5G आखिर कब तक आएगा और कितना वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो भाई वीडियो पे बने थे ना, अगर आपको BSNL का अपडेट्स जानना है तो भाई जैसे हमको कोई ना कोई BSNL का अपडेट्स मिलता है, मैं आप सबके लिए यार लेके आ ही जाता हूँ। तो आप लोग BSNL का इंतजार करते हो और मैं आप लोग का इंतजार करता हूँ भाई, कब भाई अपडेट्स मिले और कब मैं अपनी ऑडियंस तक यानी कि अपडेट्स को रिकवर कर सकूँ एंड पहुंचाने की कोशिश करता हूँ मैं हर एक समय हर एक पल। दोस्तों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो भी कुछ कंटेंट जो भी कुछ वीडियो बनाता हूँ मैं आप सबके लिए बनाता हूँ। तो भाई आप सबके लिए मैं यार इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग का एक लाइक एक कमेंट एक सब्सक्राइबर आपको करने में कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई। मैं आपसे कुछ थोड़ी मांग रहा हूँ, बस आपसे यही बोल रहा हूँ कि एक लाइक कर दो, एक तरह से कमेंट्स कर दो कि हाँ मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और भाई BSNL का 5G कैसा चल रहा है आपके एरिया में। और साथ में आपसे ये भी बोलता हूँ, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मैं आपसे कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब करना है चैनल को यानी चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पे रोज नया नया टेक अपडेट सबसे पहले मिलता रहता है। मैंने भाई मैं बात करूँ BSNL 5G एंड अपडेट के बारे में, ठीक है? यार देखो, BSNL का 5G अभी तक कहीं पर इंडिया में रोल आउट नहीं किया गया, ना तो इसका कहीं पर टावर लगाएगा। और मैं सबसे पहले मैं आपको एक ये चीज बोल देता हूँ, BSNL का 5 का जो आप लोग सोच रहे होंगे कहीं अलग इसका टावर लगेगा BSNL 5G का, तो मेरे भाई BSNL का कोई अलग टावर नहीं लगेगा। जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, इसका जो 5G भाई जहां जहां पे होगा वहां पे अलग अलग टावर लगा हुआ है 5G का। लेकिन ऐसा नहीं है BSNL में, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। BSNL में जो 4G है वो इसी में आपका 5G कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? इससे ब्रॉडबैंड होता है जो आपको बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है ऊपर, यानी कि आपको जो मिल जाता है टावर के ऊपर बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है, ब्रॉडबैंड बोलते हैं उसको, उसी में दोस्तों कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, उसमें सेट कर दिया जाएगा BSNL का 5G। और BSNL के जो 5G है वो 4G से ही कन्वर्ट होकर 5G चलेगा, कोई अन्य कोई दूसरा कुछ वहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं लगाया जाएगा कुछ अलग, बिल्कुल 4G से ही 5G कन्वर्ट किया जाएगा वहाँ पे। जैसे भाई जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इसका क्या है, इसका पूरा 5G का सिस्टम अलग है। लेकिन भाई BSNL का 5G सिस्टम है वो पूरी तरह से सबसे अलग है, ठीक है? यानी कि वो एक में ही होकर चलेगा। जैसे आप भाई 5G का फोन यूज कर रहे हो तो उसमें आपका क्या होगा, आपने 4G यूज करे, अगर वहाँ पे 5G चल रहा है तो भाई उसी में वो 5G कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल आपको वहाँ पे कोई सेटिंग वेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो भाई सेटिंग कहाँ पे करनी पड़ती है, जहाँ पे 5G का टावर अलग यानी कि एक अलग टावर होता है 5G का, वहाँ पे बिल्कुल सेटिंग करनी होती है मोबाइल में। लेकिन 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 आपको यहाँ पर कोई अलग सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, BSNL जो 4G है उसी में 5G को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और हाँ भाई, इंडिया में कब तक आएगा BSNL का 5G? तो मेरे भाई अभी पूरे इंडिया की बात करें, कंट्री की बात करें इंडिया के, तो भाई BSNL लगभग लगभग बात करें कुल 35 से 40%, कितना 35 से 40% एरिया को कवर किया है। कुल अभी कितने एरिया को कवर किया है BSNL जो टावर लगा हुआ है 4G का, वो लगभग 35 से 40% के एरिया को कवर किया है। तो भाई अभी तो 60% एरिया को कवर करना बाकी है। तो जैसे BSNL का 50% एरिया कवर हो जाएगा वो भी इंडिया में, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है जैसे इंडिया में 50% कवर हो जाएगा पूरे इंडिया में BSNL का, हाँ 50% टावर लग चुका है यानी कि आधे इंडिया में पूरा BSNL लग चुका है, तो भाई BSNL का 5G वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन 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 भाई ये क्या कर रहे हैं BSNL वाले, भी कुछ यार अटपटा काम करते हैं। जैसे भाई BSNL का 4G पूरे इंडिया में अभी यार रोल आउट तो किया नहीं, हर जगह पे तो लगा नहीं, वो 5G के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ मेरा पहला 4G आ जाए तो 5G यार कभी भी आ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, पहले 4G का तो इंटरनेट यार हमको यूज करने के लिए भी। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं यार कि हमने पहले से यार सिम लेकर रख लिया, यार बहुत सारे लोग ऐसे जो पहले से BSNL का सिम लेकर रख चुके हैं भाई,
अच्छी बात है यार, आप सिम ले रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप लेके रखो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आने वाले समय दोस्तों, यानी कि आने वाले समय में आपको BSNL का ही सिम यूज करना है। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई यार, ये बात ध्यान रखना, आने वाले समय में आप लोग BSNL का सिम जरूर यूज करेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो भाई BSNL एक सरकारी कंपनी है, आप जितना BSNL को सपोर्ट करोगे BSNL उतना ही बेहतर होता जाएगा दोस्तों। और BSNL का रिचार्ज बहुत सस्ता आप लोग को पता है, और बात करता हूँ BSNL का 5G लगभग 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 आपको भाई 3 से 4 महीने वेट करना होगा, ठीक है। कितना लगभग आप 4 महीने, यानी कि बाकी 2025 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 अप्रैल तक बिल्कुल आपको BSNL का 5G देखने को मिलेगा। हो सके तो आपके भी एरिया में देखने को मिल सकता है BSNL का 5G दोस्तों। जैसे कोई टेक अपडेट्स आता है मैं आपसे पहले तुरंत लेके आता हूँ। तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर नए फटाफट इनको सब्सक्राइब कर दो, तक यहाँ पे आपको टेक अपडेट्स मिलता है, और मिलते हैं कुछ और नए टेक अपडेट। तो दोस्तों गुड बाय।